बीती 26 मार्च को मकान सील करने पर बौखलाए सपा नेता यूसुफ मलिक ने अपर नगर आयुक्त अनिल कुमार सिंह को जान माल की धमकी और कार्यालय और घर में घुसकर सबक सिखाने की चेतावनी दी थी। इससे नाराज नगर निगम कर्मचारियों के संयुक्त मोर्चे ने कार्य बहिष्कार कर हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। निगम कार्यालय पर धरना देकर कर्मचारी नेताओं मोहम्मद शुभान व सफाई कर्मचारी संघ के संरक्षक ओमीलाल ने कहा कि जब तक अपर नगर आयुक्त और निगम कर्मचारियों से अभद्रता करने वाले सपा नेता यूसुफ मलिक की गिरफ्तारी नहीं हो जाती, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर निगम कर्मचारी संघ के अध्यक्ष मोहम्मद शुभान ने कहा कि यूसुफ मलिक पहले नगर निगम में निर्माण विभाग में ठेकेदारी करता था। उसके द्वारा कार्य में अनियमितता करने और गारंटी मनी में हेराफेरी करने के चलते ब्लैक लिस्टेड किया जा चुका है। संयुक्त मोर्चे के पदाधिकारियों ने नगर आयुक्त को ज्ञापन देकर सपा नेता की गिरफ्तारी और कड़ी कार्यवाही कराने, निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान कराने की मांग की, अन्यथा की स्थिति में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कि हमारी प्रथम मांग जो है, जो लाइन कंपनी आई है उसको समाप्त किया जाए, वरना हसर बुरा होगा। इस मुरादाबाद में जो हसर नहीं हुआ है वो नगर निगम प्रशासन वो हसर कराना चाहता है। दूसरी मांग, जो 27 दिसंबर को जो हाउस के अंदर तय हुआ था कि प्रत्येक कर्मचारी को 15,000 रुपये आउटसोर्सिंग को दिए जाएंगे, उनका वेतन बढ़ाया जाएगा, आज मार्च भी खत्म होने पर आ रही है, अभी तक उनको वेतन नहीं बढ़ाया गया है। ये दो मांगें हमारी बहुत ज़रूरी हैं। बाकी जो अपर साहब के साथ बदतमीजी हुई है, हमारे अधिकारी के, नगर निगम के अधिकारी के साथ, जिन पर सफाई विभाग का पूर्ण तरीके से जिम्मा है, जब उन पर इस तरीके की हरकतें और बदतमीजी की जाएंगी तो हमारा सफाई कर्मचारी गली और कूचों में, हमारा सफाई नायक गली और कूचों में, हमारा वाहन चालक तमाम रोडों पर, पड़ाव पर और गलियों पर सफाई करता है, उसकी क्या आशा कर सकते हैं, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि उसको सुरक्षा मिलेगी या उसका भविष्य क्या होगा। यह हमारी दो तीन मांगें जो जटिल है, जिसके लिए आज हमने समय के मुताबिक यह धरना प्रदर्शन स्थानीय निकाय सफाई मजदूर संघ के बैनर के नीचे हम सभी नेता, सभी संगठन के लोग, हम आज नगर निगम पर 71 होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये लड़ाई आज देखिए, हमारा प्रदर्शन बहुत शीघ्र ही आज बहुत बड़ा एक निर्णय लेगा। देखिए, अभी हड़ताल का कोई निर्णय नहीं लिया गया है, ये रणनीति शाम में तय होगी। हम अपने मुखिया परम आदरणीय नगर आयुक्त महोदय से मिलने के लिए जा रहे हैं। पहला मुद्दा हमारा, जो आपको विदित है कि यूसुफ मलिक जी ने जो हमारे अपर नगर आयुक्त महोदय से बदतमीजी करी है, जान से मारने की धमकी दी है और उससे कर्मचारी आघात हैं, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो हमारी प्रमुख मांग यह है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और अगर वो शहर छोड़ के भाग गए हैं तो 82-83 में कुर्की की कार्रवाई हो, यह हमारी प्रमुख मांग है। इसके अतिरिक्त सफाई कर्मचारी बंधुओं का जो प्रकरण है उसमें भी नगर आयुक्त जी से वार्ता करनी है, लाइन कंपनी को लेकर और 15,000 रुपये के वेतन को लेकर, तो इसमें भी प्रमुख हमारे जो मुखिया हैं नगर आयुक्त महोदय, उनसे वार्ता करेंगे, आगे की रणनीति फिर उसके बाद बनाई जाएगी और आप मीडिया बंधुओं को अवगत करा दिया जाएगा।